अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे कि कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इससे वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, क्या नेशनलिटी रिफ्यूज़ हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और इसके क्या मतलब है। सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है वीज़े के लिए, आप एंट्री क्लियरेंस वीज़ा करें अप्लाई या यूके के अंदर हैं तो आपने जो उसकी सूटेबिलिटी है उसको चेक करते हैं कि क्या आप कंड्यूसिव नॉट कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड, ऐसा तो नहीं है कि आप अवाम के लिए ख़तरा हों, कोई ऐसा एक्ट या आप ऐसा बिहेवियर जो अवाम मफाद अमा में ना हो, तो ये कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड में आता है। और ये जो है पार्ट 9 इमिग्रेशन एक्ट जो है इमिग्रेशन लॉ, उसके अंदर पार्ट 9 के अंदर इस डिटेल है इसकी, उसके तहत। और जो नेशनलिटी एक्ट है BNI, ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1981, उसका सेक्शन 40 सब सेक्शन 4, अगर आप पब्लिक अवाम के लिए ख़तरा हों नॉट कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड, तो फिर आपकी नेशनलिटी भी कैंसिल हो सकती है अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 4। और ये कैसे होता है, ये आपके करेक्टर से हो सकता है, आपके कंडक्ट से हो सकता है, आपकी एसोसिएशन से हो सकता है। आपका करेक्टर कैसा है, आप कैसे क्या बिहेव करते हैं, आप जो यूके में रह रहे हैं या किसी और कंट्री में, आपका बिहेवियर कैसा है, करेक्टर कैसा है। दूसरा आपकी कंडक्ट, आपका चाल चलन, आपके जो बाकी लोगों के साथ या बाकी जो भी मुआशरा है आपका रहन सहन कैसा है। और तीसरा आता है इसमें एसोसिएशन, कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं या जिन के साथ आपका ताल्लुक है वो कैसे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा ऐसा जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या किसी भी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व हो जो नॉट कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड होगा, तो आपके लिए ट्रबल हो सकती है, आपकी नेशनैलिटी, आपका वीज़ा, आपकी एंट्री क्लियरेंस, ये सारी दाव पे लग सकती हैं। इसके अंदर आप जो है खुदा नखास्ता किसी इमिग्रेशन जो बंदा है वो वॉर क्राइम में इन्वॉल्व है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए आप उसकी आपकी एसोसिएशन शो हो जाती है कि आप उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो फिर आपके लिए ट्रबल हो सकती है। अब सवाल ये होता है कि ये किसने प्रूव करना है कि यू आर नॉट कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड, तो उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जाहिर है कि जो इल्ज़ाम लगाता है उस पर होता है। तो इल्ज़ाम कौन लगाएगा, आपका वीज़ा कौन रिफ्यूज़ करेगा, वो होम ऑफिस है। तो होम ऑफिस ने इसको प्रूव करना है कि वाकई आप जो है नॉट कंड्यूसिव टू द पब्लिक गुड है, आप अवाम या मफाद आमा के लिए ख़तरा हैं, ये उन्होंने प्रूफ करना है। उनके पास जो भी शवाहद होंगे, जो भी एविडेंसेज होंगी, जो कुछ भी होगा वो होम ऑफिस ने प्रूव करना है। तो इस बेस पे ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत सारे लोग इसको नहीं सीरियस लेते। तो अगर खुदा न खास्ता आपका बिहेवियर मफाद आमा में नहीं है, मिसाल तौर पे आपकी स्पीच या आपका कोई ऐसा बिहेवियर जिससे कम्युनिटी के अंदर वायलेंस पैदा हो या कोई और इस तरह का जिससे कम्युनिटी में इंतशार लड़ाई झगड़ा पैदा हो, तो ये भी उसमें आता है। तो इसलिए इन चीज़ों को जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जहन में रखना चाहिए, इवन कि आपके पास नेशनलिटी भी है तब भी अगर इसमें आप फॉल करते हैं तो अब तो काफ़ी पावर मिल गई है, तो इसके तहत आपकी नेशनलिटी जो है वो भी ब्रिटिश नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा जो विजडम विरसा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।